आज हम लोग 5 दिवसीय योग शिविर के 4th दिन के प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर ब्रिज मोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए एक बार हम प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं कि आप ऐसे सात्विक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आप बहुत ही उत्साहपूर्वक, बहुत ही श्रद्धा और लगन निष्ठा के साथ आप भाग ले रहे हैं। इसमें माताओं बहनों की उपस्थिति भी बहुत सराहनीय है, छोटे छोटे बच्चे और पिता तुल अभिभावक यानी पूरा गांव और हर प्रकार के व्यक्ति अपने आप को निरोग रखने के लिए, अपने आप को शुद्ध एवं सात्विक तरीके से जीने का एक संकल्प ले रहे हैं। भाई ये इस प्रातः वेला में, ब्रह्म वेला में हम सभी परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हे परमात्मा आप हमारे सांसों के साथ हमारे शरीर के एक एक नस नाड़ियों को आप जीवित और जीवंत रखते हो। तो भाई ये धीरे धीरे हम आँख बंद करेंगे, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, लंबे गहरे सांसों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतमुगमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप सभी दिव्यात्माओं को एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूँ और धीरे धीरे अपने नेत्रों को कोमलतापूर्वक, सहजतापूर्वक खोलने का प्रयास करेंगे और जैसे हम आँख खोलते हैं तो हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करते हैं और पहली बार हमें जो कुछ भी दिखाई पड़े आँख खोलते समय उसी में परमात्मा का विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को भी हम एक बार याद कर लेते हैं। अभी आज हम लोग जिस कार्यक्रम को करने के लिए बैठे हैं, यह कार्यक्रम राम और कृष्ण का, यह कार्यक्रम भगवान शंकर भोलेनाथ का दिया हुआ और हमारे देश के करोड़ों अरबों की संख्या में अनगिनत संख्या के साधु संत ऋषि महात्मा और जो हमारे वैज्ञानिक थे पहले, जिन्हें महर्षि कहते थे, जिन्हें हम ऋषि कहा करते थे, उन सारे वैज्ञानिक स्वरूप महर्षियों का यह एक खोज है योग प्राणायाम और अपने सिस्टम को, अपने शरीर के एक एक अंगों को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। इन्हीं हम अभ्यासों को जब जीवन में उतारेंगे तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आइए हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, अगले अभ्यासों की तरफ चलते हैं। ओम।